वादे अगली खबर शिमला तो है। जी हाँ, शिमला च रॉक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया जो ना सिर्फ स्थानक लोगों बल्कि इतने पहुंचे सैलानियों भी अपने वाल खिंच रहा है। पत्थरां दी खूबसूरत दुनिया सजी है शिमला च, जिथे देश विदेश तो सैलानी पहुंच रहे ने अते इना पत्थरां विच अपनी दुनिया अते कल्पनावां दी हकीकत नूं देख के रोमांचित हो रहे ने। 40 दिनों के इस रॉक एग्जीबिशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ब्रिज बिहारी पटेल ने किया। इस एग्जीबिशन विच तकरीबन 40,000 पुरानियां पुरासारी कलावां अते इतिहास के पत्थरां के माध्यम नाल प्रदर्शित किया गया। केंद्र सरकार ते सूबा सरकार ने मिलके इस एग्जीबिशन का प्रबंध किया है, जिसनूं देखण दे लई वड्डी गिणती सैलानी पहुंच रहे ने। प्रबंधकां दा मनना है कि आर्ट शो ना सिर्फ अपने इतिहास नूं जानण दा मौका दे रहा है, बल्कि नौजवानों नूं रिसर्च दे खेतर विच आउण दा सद्दा भी दे रहा है। शिमला विच प्रबंधत रॉक एग्जीबिशन 24 जुलाई तक चलेगा। जे तुसी भी रॉक कला दे दीवाने हो अते पत्थरां विच इक वक्खरी दुनिया देखण दी हसरत रखते हो तो चले आओ शिमला अते खो जाओ इन्हां खूबसूरत कलाकृतियां च। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल पत्थर तो बेजान होंदे ने पर उन्हां विच कला करके उन्हां विच जान फूकण की कोशिश करते ने कलाकार। बिल्कुल अर्श, इस प्रदर्शनी नूं देख के मैनूं तां वैसे चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की याद आ गई, क्योंकि उत्थे भी कई तरह दीआं कलाकृतियां ने बनिया हुई ने, पत्थर दीआं बनिया हुई ने। ते कुछ होर अद्भुत तस्वीरां दिखाउने आ, तस्वीरां एक अद्भुत मेले दीआं, ओह वी शिमला तों। शिमला के पिंड दरकाली दे विच खास मेले का प्रबंध किया गया, जिस दे विच भेडा की फाइट कराई गई और जेतुआ नूं इनाम भी दिता गया। स्थानक लोगों का मनना है कि इस मेले दे विच पूजा और भेडा की लड़ाई कराउण दे नाल उन्हां दे मवेशियों की सुरक्षा पक्की हो जाती है। ਇਹ ਫਾਈਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਥਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਸੰਗਮ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਰਕਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। नराड़ी मेला ये सदियों से हमारे बुजुर्ग, हमारे जो लोग हैं इस क्षेत्र के लोग हैं, धूमधाम से मनाते हैं। इस खास उत्सव के मौके पर स्थानक लोग अपने देवी देवता की पूजा करते हैं और खूब नचते गाते खुशियां मनाते हैं। भेड़ों की इस लड़ाई में जो जेतू होता है उसनों इनाम भी दिता जाता है। वो चारों तरफ मतलब काटते हैं और फिर मतलब ताकि हमारी भेड़ बकरियां सुरक्षित रहे, और फिर उसके बाद मतलब प्रतियोगिता होती है, भेड़ बकरियां जो भी है उनका मतलब उनको लड़ाते हैं और फिर फर्स्ट सेकंड जो भी है प्रतियोगिता में आ जाते हैं। दरअसल इस खास मेले का प्रबंध ते भेड़ां दे मुकाबले दे पिछे पिंड वालियां दी मानता है कि इस दौरान वो अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए भगवान तो आशीर्वाद मांगते हैं, ताकि वादियों चो लंघते वेले उन्हां दे नाल कोई अनहोनी ना होवे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਸਥਾ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਗਰਜ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦਹਾੜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਿਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 125 ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ 200 ਨੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਗਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। हमारी जो कामगिरी है काफ़ी सफल रही है, और इस कामगिरी के चलते जो गिर नेशनल पार्क और सेंचुरी में
बच्चों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल मई 2015 विच हुई आखिरी गिनती के मुताबिक सौराष्ट्र विच 109 नर शेर, 201 शेरनियां ते 213 शावक सन। लायन कंजर्वेशन कारण शेरां दी गिनती विच इजाफा दर्ज कीता गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दी चौकसी कारण नवे जमे शेरां नूं बचाउण विच वड्डी कामयाबी मिल रही है। इसलिए इस बार भी गिर विच 100 तों वध नन्हे मेहमानां दी आमद हो सकदी है। लायन ऐसे उसकी तादाद 120 प्लस है, तो इसी वर्ष में मानो कम से कम आधा लायनेस बच्चा देगी तो ऑन एन एवरेज 150 से 200 बच्चा इस साल नई रिक्रूट होने की पूरी संभावना है। जूनागढ़ का गिर इलाका एशियाई शेरों का इकला घर है। नवाब जूनागढ़ दी कोशिशों कारण आज जूनागढ़ विच शेर बचे हुए ने। नवाब जूनागढ़ ने शेरों को बचाने के लिए उन्होंने शिकार से रोक ला दी थी। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत विच शिकार ते सोका पैण दी वजह नाल गुजरात विच शेरां दी गिणती घट हो के महज दर्जन भर ही रह गई सी। पर उस वेले जूनागढ़ रियासत दे नवाब महाबत खान रसूल खान खानजी ने शेरां दे शिकार ते रोक ला दित्ती, जिस कारण शेरां नूं बचाया जा सकिया। अते अज गिर विच मौजूद सारे शेर उन्हां 11 शेरां दे वंशज ने। माहिर दसदे ने कि गिर दे शेरां विच कई बीमारियां दा पाया जाणा ते उन्हां दा कमजोर होना जीन्स कारण है, पर अज गिर विच शेरां दी हालत काफी चंगी है। सरकार दी कोशिशां कारण शेरां दी आबादी हुण महज 1400 वर्ग किलोमीटर खेतफल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस शेर हुण गुजरात दे 21000 वर्ग किलोमीटर इलाके विच पाए जांदे ने। तां तैयार हो जाओ गिर विच नवे मेहमानां दी आमद दी खुशी मनाउण दे लई। भार्गव परिख, जी मीडिया, अहमदाबाद। ਤਾਂ ਗਿਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਨੰਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਦਭੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।